आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे हमारे चैनल गांव की सुनीता में। तो सो फ्रेंड, आज हमारे यहाँ हमारे एक थ्रेसर आ चुका है, कल का आया है, इवनिंग टाइम शाम टाइम आया है, टाइम को समथिंग 8 बजे रात आया है, तो शाम को धान नहीं मिज रह पाई, तो अब धान मिजेंगे पापा लोग। तो अब खड़ा हो गया है, आके खड़ा है। हाँ तो आप लोग देखिए, बहुत सारी धान है, तो सब धान को मिजेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे भी कि थ्रेसर से धान कैसे मिजते हैं हमारे यहाँ, सब मैं दिखाऊंगी। इधर हमारे चाचा की लड़की आई है, तुम्हारा क्या नाम है बता दो, तुम्हारा क्या नाम है? स्वाति। स्वाति नाम है। हाँ। और अपना अपना नाम बताओ सब लोग। अनुपम कुमार गुप्ता। अनुराग। इसका अनुराग नाम है। हाँ। सब लोग आई है और सब लोग हाय करो। हाय। हाय। एक कान्हा है। हाँ तो सुबह ही आई थी, हमारे यहाँ इतने टाइम बहुत ज़्यादा बीही पकी हुई है। हाँ तो सुबह आ जाते हैं हमारे यहाँ ये बच्चे, हमारे चाचे की लड़की लड़ी है, बीही खा रही हैं। क्या खा रही हो स्वाति? बीही खा रही हो, दिखा दो अपने फ्रेंड लोगों को। हाँ तो मैं आज सब दिखाऊंगी कि धान कैसे मिजते हैं। इधर से यहाँ पास धान रखी हुई है, इसी में, इसको तख्ता टाइप का बोलते हैं, इसी में चढ़ के बोझा रख के फिर इसमें डालेंगे, ये जो बना है सूपा जैसे है। हाँ तो इसी में धान को डालते जाएंगे, देखते हैं मौका पा जाते हैं वीडियो भी बना लेंगे और आप लोगों के साथ भी शेयर भी करूँगी। बहुत ज़्यादा धान है, आप लोगों को मैं कल ही दिखा दी थी। पूरा धान आज मिजरा जाएगा तो खलिहान खाली हो जाए। अब धान मिजना स्टार्ट ही कर दिए हैं, आप लोग देख सकते हैं। हाँ तो हमारे घर में अब थ्रेसर आ ही गया है, तो मिजाई स्टार्ट ही हो गई है। हाँ तो पूरी फैमिली ने मिलकर धान की गहाई कर रही हैं, हमारी मम्मी, पापा जी हैं, बब्बा दादी, दोनों भाई हैं, सब लोग, मैं भी हूँ, बट मैं खाना बना रही थी तो मैं नहीं आ पाई थी। तो सब लोग मिलके गहाई कर रहे हैं, उधर मेरे पापा जी और दादी, दादी माँ दाना मतलब धान निकल रही है, उधर तो दादी माँ तगाड़ी से भर रही हैं, बोरा में पापा जी पकड़े हुए हैं, इधर मम्मी, बब्बा और दोनों भाई उसमें डाल रही हैं, जो सूपा जैसे बना है ना उसमें डाल रही हैं बोझा। इधर बब्बा देते जाते हैं, मम्मी भी उठा उठा कर डालती हैं। हाँ तो आप लोग देखिए कि हमारे यहाँ धान की गहाई कैसे हो रही है। अगर अच्छी हो रही होगी, आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हम लोग धान की गहाई कैसे किए हैं। हाँ तो आप लोग देखिए और इन्जॉय करिए धान की गहाई कैसे चल रही है, हमारे यहाँ सब लोग मिलकर कैसे कर रहे हैं। तो सो फ्रेंड, धान की पूरी गहाई हो गई है हमारे यहाँ। हाँ तो हमारे पापा जी पूरे बोरा और बोड़िया में पूरा भर दिए थे धान को, उसी टाइम भरते जाते थे। हाँ तो बहुत सारी धान है, कम से कम पूरी धान मिला के 30-35 खाड़ी तक होंगी धान। और सब लोग अब क्या करेंगे, सब बोरा को बांध बांध के सिल डालेंगे, बोरा को अब ले जाएंगे घर,
पूरी जितनी धान है ना, तो पूरा धान को ले जाएंगे। अब थ्रेसर जो है तो अब दूसरे के में चला गया है, हमारे बगल में मेज ने चला गया है। अब बहुत सारी धान है तो अब सबको ये साइकिल में हमारे भाई लोग ढो रहे थे, ढो ढो के घर ले जा रहे थे। हाँ तो आप लोग देखिए, हमारे बब्बा जी भी हैं सब लोग, और जिसमें ज़्यादा होगी धान तो कुरई, कुरई जानते हैं आप लोग, अगर जानते होंगे तो बताइएगा। हाँ तो उसे जिसमें ज़्यादा होंगे तो भर भर के निकाल देते हैं और मोहरी को बांध देते हैं। इधर पैरा जितना बहुत सारा पैरा निकला हुआ है, हाँ तो है, फिर उसको सुखवाना भी पड़ेगा। धूप निकलेगी तो सुखवा देंगे तो बैल लोगों को खाने के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। हाँ तो ऐसे ही सब लोग मिलकर धान को ही अंदर रख देंगे घर में, लाके रख रही हैं धान को, पूरा मिजर चुकी है तो घर में खलिहान से ला रही हैं, दोनों भाई ढो रही हैं, यही पास अब रख देंगे पूरी धान। तो आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई है तो हमारे चैनल को करिए लाइक, और नहीं हो तो सब्सक्राइब करिए। अब इसी तरीके से मिलते हैं बहुत ही अच्छे ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, रखिए अपना ख्याल।